quick. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और दोनों हाथों से अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होंगे। तो फाइनली जनाब गाड़ी अनलोड करके आ गया हूँ पेट्रोल स्टेशन पे। यहाँ से डीजल फिलअप करवाना है, डीजल फिलअप हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जनाब अड्डे से अपना रिकवरी आई है, दोबारा से अपना मिस्त्री आ गया, गाड़ी चेक कर रहा है। गाड़ी चेक करके भाई गाड़ी सीधा जानी है बंडा मिल में बाग चौक, क्योंकि आर्डर लग गया। गाड़ी अनलोड करते करते गाड़ी का आर्डर लग गया, तो अभी जनाब मैं जाऊंगा घर के लिए कपड़े वगैरह चेंज करने, एक शाम जाएगा लोडिंग के लिए। तो जनाब आपका भाई ज़रा सो भी लेगा, क्योंकि रात गाड़ी जिस रास्ते में चलाई है वहाँ तकरीबन समय लेके खून ही दिया है। वो इतना दर्दनाक भाई रोड है ना, इधर भी पैलियाँ हैं। तो भाई वो बड़ा बहुत आवाज़ारी हुई है। तो अभी ले गए जी गाड़ी चेक करें जनाब। ले गए जी मेरी गाड़ी तसल्ली से चेक किया करो यार। यार रास्ते में बड़ी तंगी होती है, कहाँ है भाई जान। ऐसे जबरदस्त कर दो हाँ माशाल्लाह। तो गाड़ी के व्हील वगैरह एडजस्ट करवा रहे हैं जनाब, काफी दिन हो गए थे गाड़ी के व्हील एडजस्ट की थी, वे ब्रेकें अपना वो अपना कम लगना शुरू हो गई थी। लेके जी आया करते व्यूवर्स को। ठीक है भाई जान। जनाब क्योंकि गाड़ी अभी अड्डे पे जा नहीं सकी क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो इधर ही गाड़ी के कामकाज क्लियर करवा रहे हैं, क्योंकि इधर तसल्ली हो जाए ना जनाब तो फिर मसला नहीं होता। अगर रास्ते में मसला होना तो वो फिर मसला तकरीबन डबल मसला हो जाता है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले व्हील क्लियर हैं सारे, अगले व्हील एडजस्ट होने वाले हैं, फिर ब्रेक वगैरह चेक करते हैं और फिर रवानगी करते हैं भाई गाड़ी की। ले गई यार इंजन की लीकिंग थोड़ी सी कम करो यार, बड़ी लीकिंग होने शुरू हो गई हैं। ये इसकी गियर वाली। चलो इंशाल्लाह आके ना अपना अब इस बार तो छुट्टी वगैरह वाला चक्कर नहीं लगा हैं, तो अगले चक्कर इंशाल्लाह आ दीजिए इसकी ये लेकिन क्लियर करते हैं। अब एक बंदे को गाड़ी अनलोड करने के लिए इसलिए भेज रहे हैं क्यों, एक बंदा घर जाके रेस्ट करे मुकम्मल, क्योंकि तीन रातें हो गई हैं मुसलसल नींद नहीं पूरी हो रही। तो जनाब अभी जाके मैं सो जाऊंगा, तकरीबन रात 8 बजे तक सोना है, कुछ भी नहीं करना, और शाम उतनी देर गाड़ी लोड करेगा। अगर दोनों ही लोडिंग पे जाते हैं तो भाई दोनों की नींद नहीं पूरी होती और रात को फिर भाई टक्करें लगेंगी स्टीयरिंग के साथ। तो इससे अच्छा है कि भाई एक बंदा रेस्ट करे नींद पूरी करे। तो मैं चलता हूँ घर के लिए, अभी निकलता हूँ। गाड़ी अलहमदुल्ला बिल्कुल चौकस हो गई है, अब कोई मसले वाली कोई टेंशन वाली बात नहीं। फी मान अल्लाह अल्लाह लिंगे मान अल्लाह की सुपुर्द, तेरी मानत तेरी सुपुर्द पाक पर परवरदिगार। हाँ जी ले गए जी घर तक, लिफ्ट दोगे भाई को? चलो जी बिस्मिल्लाह करो। तो नहीं जनाब ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 5-6 घंटे सोकर नींद पूरी कर ली आपके भाई ने, और अभी इंतज़ार कर रहा हूँ कि कॉल आई थी शाम की गाड़ी लोड हुई है कि नहीं हुई। जैसी गाड़ी लोडिंग की कॉल मिलेगी तो जनाब निकल जाएंगे मिल की तरफ और सफ़र को कर देंगे स्टार्ट, क्योंकि 3-4 रातों की नींद आज पूरी की है आपके भाई ने। गर्मी चूँकि रात को ज़्यादातर गर्मी होती है और दिन के टाइम जनाब अपना धूप नहीं सोने देती, मक्खियाँ नहीं सोने देती, क्योंकि मानसून का मौसम जो होता है ना काफ़ी मसले मसाइल वाला है। और रात को जनाब हबस होती है, इतनी हबस होती है कि सांस लेने में दुश्वारी होती है, क्योंकि इंजन का सेक होता है, रोडों का सेक होता है। तो अभी आपका भाई फ्रेश है जनाब, 3 रातें फिर भाई घोड़ा 3 रातों के लिए आपका भाई। तो टेंशन नहीं लेनी भाई, लेकर आ रहा हूँ पिंडी इस्लामाबाद का माल। अजमान साहब थोड़ा सा कोर्स करेंगे अभी भाई, तकल्लुफ करेंगे आपके भाई को गाड़ी तक छोड़ने का, तो फिर निकलेंगे जनाब इंशाल्लाह। रोड स्टोरीज फिर से कल से जा रही है, आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया, तो कल इंशाल्लाह भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आएंगे। और भाई अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें और हर आने वाली वीडियो को भाई देखने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं और शेयर करें। ले जी अल्लाह हाफिज। ओके फी मान अल्लाह। अल्लाह हाफिज बुबो जान, अल्लाह हाफिज। फाइनली जी पहुंच गए गाड़ी के पास और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हो गई है लोड, सिर्फ चैलेंजिंग रह गया अब शॉपर और तरपाल करनी है और सफर कर देना शुरू। गया
गर्मी गर्मी मोबाइल की लाइट दे चलाई मुझे देखा डन जी पटे हो गए डन अब रह गया शॉपर। हाँ भाई ले डन डन हो गया जनाब क्योंकि बारिश का मौसम है, मौसम बड़ा ख़राब है तो कोई पता नहीं जब मर्जी बारिश शुरू हो जाएगी। तो इधर से काम बंदा डन करके निकले, टेंशन नहीं है सारे रास्ते। तो कोशिश यही है कि रातों रात जनाब झेलम पहुंचा जाए, झेलम सुबह माल उतारना, फिर उसके बाद जवाद हज़रो हरिपुर। बाकी प्लान आपको आगे बताता है आपका भाई। चलो ओके जाम पाँच पाँच तोड़े नंगे ने इधर थोड़ा कर क्लीनर साइड ड्राइवर साइड ड्राइवर साइड और करो ज्यादा नहीं हो चला लकीरा सीधियां बस ही नहीं तो फर्क नहीं है इधर एक प्लेटा ना लग रहा उधर अपना है हां कर ले थोड़ा और बस ठीक है तो इतना कर लिया है कपड़े बदल के रोटी खा अल्लाह खैर कर नारा मारिये निकले क्योंकि रात बहुत छोटी हो गई है जनाब, सफर करना पड़ता है रात रात में। तो कोशिश यही है कि भाई सुबह 7-8 बजे तक जेल में पहुंचा जाए। मैं तो क्या तू आप ही कराई हिंदी मैं क्या नहीं सी हवा चले रब्बा सोने ठंडी सात माह का बच्चा नहीं होता छोटा सा उस तरह ये शोपर इस माल को छुपाना पड़ता है बारिश से। ये परी नहीं है ये परा है ट्रक का परा।
क्या मजाल है, एक इतना 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 कतरा भी हवा चल रही हो। अभी चैलेंजिंग ये है कि गुजरा वाला तक ना कोर्स है, क्योंकि इस तरफ भी पैली है, इस तरफ भी पैली है। तू जा ना कपड़े वगैरह बदल, फिर खाना खा निकले। उधर ड्राइवर सीट पे पड़े हैं कपड़े, मिनट मार ला खैर करे, कवर करना अभी नौकर वगैरह को निकलना, क्योंकि इधर भी मुंजी लगी हुई, इधर भी मुंजी लगी, रात सारी हब्बस निकलती रहती है। रात बड़ा औखा सफ़र किया है, मजबूरी ये कि मैं वीडियो नहीं बना सकता, मोबाइल को छुपाना पड़ता है इस रोड पे चोरों चकारों से। अभी आपके बाइक की बैटरी फुल लो ही पड़ी है, इसलिए व्लॉग थोड़ा सा ना ठंडा आ रहा है, क्योंकि गर्मी भाई बहुत ज़्यादा है भाई। दुआ करें मौसम अच्छा हो। जनाब माशाल्लाह अपना सफर शुरू कर दिया है। तो अभी मोबाइल आपका करने लगा भाई गायब, छुपाने लगा क्योंकि रास्ता थोड़ा सा दुश्वार है। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको मजे मजेदार से भाई चीजें और मिलेंगी। फिलहाल आज का व्लॉग थोड़ा सा भाई लो ही रहा है, वजह ये थी कि क्योंकि इतना काम काज तो आज है नहीं था, क्योंकि मेरा व्लॉग तो होता है भाई रोड पे चलने पे। तो भाई को थोड़ा सा सपोर्ट किया करें, प्यार किया करें, और बेल आइकन के बटन को दबा के रखें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। तकीमान अल्लाह जनाब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चेक करें रोड।